हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पनीर की एक और रेसिपी लेके आए हैं, पनीर लबाबदार। तो पनीर लबाबदार बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, हम देख लेते हैं। हमें चाहिए पनीर, यहाँ पे हमने 600 ग्राम पनीर लिया हुआ है और आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैंने इस तरह से लंबे लंबे शेप में इसको काटा हुआ है। 4 बड़े टमाटर जिनको रफली चॉप किया हुआ है, 2 बड़े प्याज, यहाँ पे हमने मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं, उनको बारीकी से चॉप करके रखा हुआ है, 12 से 15 काजू, और इधर ये थोड़ा सा पनीर हमने एक कटोरी छोटा जो है हमने ग्रेटेड करके रखा हुआ है, ग्रेटेड पनीर है, क्रीम। और ये मसाले में हमने यहाँ पे हल्दी ली हुई है, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे ये हमने इधर कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं, लाल साबुत मिर्च है, यहाँ पे हरी मिर्च है, ये तेज पत्ता है, दालचीनी है, और 3 से 4 लौंग ली हुई हैं। तो शुरू करते हैं पनीर लबाबदार बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में 1 छोटा टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे हम, और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो उसमें ये खड़े मसाले हम पहले डालेंगे। और साथ ही साथ ये टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो काजू हमने लिए हुए थे ये भी हम इसी टाइम ऐड करेंगे। अब 2-3 मिनट के लिए पहले थोड़ा सा हम इसे पका लेंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 2-3 मिनट के बाद में इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और एकदम ठंडा करके फिर इसका एक फाइन पेस्ट हम तैयार करेंगे। जब तक जो है टमाटर मैंने जो अलग करके रखे हुए हैं ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम प्याज भूनना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी पहले तैयार करनी है। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें ये प्याज डाल के हम इसको भूनेंगे। प्याज को अंदर तक गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, सेम टाइम पे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक 2 सेकेंड के लिए इस तरह से इसी के साथ भून लेंगे इसे। और इसके बाद में ये जो हमने टमाटर और काजू इसमें भूने थे तो उनका पेस्ट मैंने तैयार करके रख लिया है, तो अब ये इसमें ऐड करेंगे हम। थोड़ा सा पानी डाल के ही मैंने इसे पीसा था, तो अगर आप जब इसमें डालेंगे ये प्यूरी, अगर आपको लगेगा कि पानी की रिक्वायरमेंट है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ पेस्ट डालिएगा। पेस्ट डालने के बाद में इसमें हल्दी ऐड करेंगे हम, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़े से मसाले और डालेंगे हम साथ में, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी हम अभी ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। इस तरह से हाथ पे रगड़ते हुए हम डालेंगे इसमें। पहले हम ओपन करके इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद में हम इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें ये नमक ऐड करेंगे हम, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे, और साथ ही साथ अब इसमें ये क्रीम ऐड करेंगे हम। क्रीम ऐड करने के बाद में गैस बिल्कुल धीमे कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। मिनट हो चुके हैं, इसे ओपन कर लेते हैं हम, और ये बढ़िया एकदम ग्रेवी बन के रेडी हो गई है। इसमें साथ ही साथ ये जो ग्रेटेड पनीर है ये हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें से बचा लेती हूँ गार्निशिंग के लिए, और साथ ही साथ ये जो पनीर हमने काट के रखा हुआ था ये हम इसमें डाल देंगे।
और ये जो कसूरी मेथी अभी हमने रोक के रखी हुई थी, थोड़ी सी हमने पहले डाली थी, ये अब इसमें डाल देंगे थोड़े से हाथ में रगड़ते हुए। ये पनीर डाल के हमने इसको मिला दिया, 2 मिनट के लिए बस इसे कवर कर देंगे हम। दो तीन मिनट बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं और ये बढ़िया बिल्कुल पनीर लबाबदार बन के रेडी हो गया है और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गर्मा गर्म पनीर लबाबदार बन के रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल ट्रिपल ई डिलाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।